हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मैं बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि नहीं, अब वीडियोज़ रेगुलर बनाने चाहिए। और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन होने वाली है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई बट होने वाली है, तो इसकी वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे। बट मैंने सोचा है कि जब मेरे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज मैं एक और न्यू पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप का रिव्यू देने वाली हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये पता ना हो कि बूट कैंप होता क्या, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि बूट कैंप क्या है। वैसे तो मतलब मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि बूट कैंप क्या होता, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता हो, जो न्यू आया है, वो पूरे अच्छे से जाके उस वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पूरा ऑल टू ऑल कवर किया है कि बूट कैंप क्या होता है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, और तो मैं आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैं इस वाले वीडियो में मैं एक न्यू पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप का रिव्यू देने वाली हूँ। तो इस न्यू पे आफ्टर प्लेसमेंट का नाम है जैप स्किल। तो इस वीडियो में मैं आपको जैप स्किल के बारे में A to Z जो है सारी चीज़ें कवर कर दूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको जैप स्किल के बारे में बताऊंगी कि वहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और इस कोर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है अगर आपको जैप स्किल ज्वाइन करना है। फिर वहाँ के जो कोर्सेज है वो लाइव क्लासेज रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज रहते हैं, मैं ये बताने वाली हूँ आपको A to Z। फिर वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर कोई टेस्ट वगैरह, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। वहाँ के इनकम शेयर एग्रीमेंट के बारे में बता दूंगी, और फिर मैं बता दूंगी कि वहाँ पे प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और उससे पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोर्सेज होता है वो होता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज नहीं होते, यहाँ पे एक ही कोर्सेज होता है जो कि है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें कि आपको सारी चीज़ कवर करते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वेब डेवलपमेंट, डाटा स्ट्रक्चर, मतलब A to Z ये सारी चीज़ कवर कर देते हैं। और हम उसका एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये आप लोगों को एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक PDF के फॉर्म में एक चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। तो उसी में से क्या करता है कि आप लोगों को पढ़ना रहता है, उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं। अगर टेस्ट में आप पास हो जाते हो जब जाके वो आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं अपने कोर्स के लिए। और यहाँ पर जो कोर्सेज होता है वो सारा लाइव क्लासेज होता है, मतलब रिकॉर्डेड भी देते हैं, बट ज़्यादातर इनकी जो कंटेंट होती है वो लाइव कंटेंट होती है। और कोर्सेज जो होती है वो मतलब अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट से बात की है, मतलब जिन्हें जैप स्किल ज्वाइन किया है, वो उन्होंने बताया कि कोर्स अच्छे से वो लोग कवर करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं पे अगर डाउट रहता है तो वो डाउट सेशन भी होता है, आप उनसे क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं वहाँ पे एडमिशन का, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ एडमिशन उसमें कैसे लेना है, कि पहले आपको टेस्ट देना होता है, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे जब आपका सलेक्शन हो जाता। अब हम बात करेंगे वहाँ के इनकम शेयर एग्रीमेंट के बारे में, मतलब आपको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी अगर आपकी जॉब लग जाती है। तो वहाँ पर जो सैलरी देनी पड़ती है वो मतलब 15,000 देनी पड़ती है आप लोगों को, मे बी 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। इस चीज़ को मैं आपको देख के बता दूंगी, या फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब मैं भूल जा रही हूँ कि मतलब कितना था। बट इनकम शेयर एग्रीमेंट उनका मैंने पढ़ा, वो अच्छा रहता है, मतलब ऐसा कुछ फेक चीज़, फॉल्स चीज़ नहीं लिखते, वो सही चीज़ें लिखते हैं, मतलब आप इसको साइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें इशू नहीं है। लास्ट और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है। हाँ, तो वहाँ पे प्लेसमेंट का मैं बता दूँ कि प्लेसमेंट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों की प्लेसमेंट हुई है। कुछ लोग होते हैं जो जिनका प्लेसमेंट जल्दी नहीं लग पाता, होता है प्लेसमेंट बट थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मतलब प्लेसमेंट वहाँ पर सबकी हुई है, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना एफ़ोर्ट नहीं लगाया तो उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, नहीं तो कुछ लोगों का प्लेसमेंट हुआ, मतलब 40-60% का प्लेसमेंट हुआ है। कुछ लोग जो रह गए वो अपने एफ़ोर्ट, मतलब वो थोड़ा अपना एफ़ोर्ट कम लगाते हैं, इसके वजह से शायद उनका नहीं हो पाया हो, लेकिन वो भी मतलब उनका भी बाद में हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा चीज़ कवर कर दिया कि वहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, उनकी इनकम शेयर एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और मतलब किसी भी पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप या फिर किसी भी मतलब जैप स्किल या शार्पनर मसाई या किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कमेंट सीन करके छोड़ देती हूँ, नहीं, मैं सबके रिस्पॉन्स देती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं एक न्यू पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप का रिव्यूज़ दूँ और आप लोगों को हेल्प करूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। थैंक यू।